तो हेलो हाय, कैसे काय बरे आहे। मी आहे रोहन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो शाहरुख खान ने फाइनली 4 साल के बाद अपना बहुत ही बड़ा कमबैक किया है पठान के रूप में। पठान यशराज फिल्म्स की मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद और इसे प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने। यशराज मूवी ने रिसेंटली शमशेरा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसी खराब मूवीज भी बनाई है। वैसे मेरे को यशराज मूवी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट शाहरुख खान एसआर के फैन नहीं, ऐसे नहीं। तो शाहरुख खान से मुझे एक्सपेक्टेशंस है, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। एक्शन ये मूवी का काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जितना भी टीजर में दिखाया है तो बोल सकते हैं कि एक हॉलीवुड लेवल की मूवी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन। ये यशराज स्पाई यूनिवर्स की 4th मूवी है। पहली 3 थी एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और अभी आ रही है पठान। और ये इन सबसे महंगे बजट की फिल्म है ऐसा बताया गया है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के लाइफ की, उनके करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म होगी। इस फिल्म का डायलॉग अब्बास टायर वाला ने लिखा है, जो कि बहुत ही आइकॉनिक मूवीज के डायलॉग्स लिख चुके हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS, जाने तो या जाने ना जैसी बड़ी फिल्मों का इन्होंने डायलॉग लिखा है। टीजर से ऐसा हमें लग रहा है कि जॉन अब्राहम और SRK के बीच में राइवलरी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जाके ये लोग दोस्त बन जाएंगे, जैसा कि हर बॉलीवुड मूवी में होता है। इट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ट्रेलर में हमें कुछ और डेप्थ देखने को मिल सकता है इन कैरेक्टर्स को लेकर, वो तो ट्रेलर आने के बाद ही हमें पता चलेगा। इस मूवी में दीपिका पादुकोण भी है, तो उनके भी कुछ एक्शन सीक्वेंस हमको देखने को मिले हैं टीजर में। आई डोंट नो के ट्रेलर में हमको कितना पता चलेगा कि उनके कैरेक्टर के बारे में और कुछ रिवील होता है या नहीं, बट दीपिका पादुकोण है, शाहरुख खान है, तो रोमांस तो होगा ही। तो हमें एक्शन के साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली शाहरुख खान है तो फिर रोमांस तो बनता है। पर ये लव स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे सालों से शाहरुख की घिसी पिटी स्टोरियां चल रही है, वो सेम ही डायलॉग, वो सेम ही हाथ फैलाना, क्योंकि अभी हम लोगों को ग्लोबल लेवल का कंटेंट देखने की आदत हो चुकी है, जैसे कि कोरियन मूवीज, स्पैनिश मूवीज, ऐसे बहुत सारे देशों की हमको लव स्टोरी देखने का मौका मिला है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बॉलीवुड में वही किसी पिटी स्टोरियां चलती रहे और रोमांस के नाम पे बस यही होता रहे। पर टीजर में दीपिका अच्छी लग रही है। टीजर ने जस्टिस किया है स्टोरी को ना रिवील करते हुए, विच इज अ गुड थिंग, जो कि ऑडियंस के क्यूरियोसिटी लेवल को बढ़ा के रखती है। विद दैट बीइंग सेड, मूवी जनवरी में रिलीज होने वाली है 2023 में और ट्रेलर एनी हाउ नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगा, तो उसके ट्रेलर पे भी हम लोग बात करेंगे। और इसी के साथ जनवरी में आदि पुरुष भी आने वाली थी, बट वो पोस्टपोन्ड और डिले हो चुकी है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।